आज के वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ दोस्तों कि मैं अपने टेरिस पे कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ सारे पौधों को। तो पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आएगा तो लास्ट में एक लाइक करके जाइएगा और हो देखिए सके तो दोस्तों, गर्मी सब्सक्राइब भी में कर क्या हाल लीजिएगा। हो गया है टेरिस का। बिल्कुल सब कुछ सूखा पड़ा है, एक दिन पानी नहीं डाली है तो यह हालत हो जा रहा है पौधों का। अभी मैं रिपोर्टिंग की थी तो यह पौधा तो सही चल रहा है, इसका मिट्टी भी देखिए अभी गीला दिख रहा है, लेकिन ये सब मिट्टी देखिए, सबके जो अंदर का मिट्टी है सभी पॉट का सूख चुका है और कुछ पौधे तो बिल्कुल ही मरे मरे जैसे हो गए हैं। बाकी यहाँ जो न्यू रिपोर्टिंग किए थे वो सारे पौधे सही चल रहे हैं। इसमें भी देखिए नए नए इसके जो है शूट निकल रहे हैं। यहाँ पे डहेलिया जो है ये भी फ्लावरिंग अच्छा किए हुए है, देखिए तीन तीन फ्लावर लिए हुए हैं। और ये एक और है डहेलिया वाला पॉट, तो ये भी सही है। बाकी और प्लांट्स का देखिए हाल क्या हो गया है, सब सूख रहे हैं। गर्मी में काफ़ी मुश्किल होने वाला है गार्डनिंग टेरिस का, तो देखिए कैसे कैसे संभालती हूँ सारे पौधों को। टमाटर भी देखिए कुछ पक चुके हैं, इसका भी हालत ख़राब है। जो इसमें कीड़े लगे थे वो तो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि मैं लगाई थी मतलब कुछ नीम ऑयल का स्प्रे की थी। यहाँ पे देखिए नीम ऑयल का स्प्रे की थी तो इसमें जो कीड़े लगे थे कुछ हट गए हैं, बाकी भी कुछ बच रहे हैं, तो फिर से एक बार और स्प्रे करना होगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे बैगन में जो रिपोर्टिंग किए थे तो वो भी सही चल रहा है। इसमें एक बैगन तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये देखिए इसको निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए निकल गया। एक टमाटर भी निकाल लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि अब टमाटर भी देखिए इसके पौधे ख़राब होने लगे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी अभी से ही स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और दिखाती हूँ मैं आपको धनिया पत्ता का हाल। पहले यहाँ पे दोस्तों देखिए पानी भर गया है, ज़्यादा पानी गिर गया, मैं अभी पानी ही पटाने आई हूँ सारे पौधों में। ये देखिए दोस्तों धनिया पत्ता का क्या हाल हो गया है, सारा सूख रहा है। इसमें तो डेली ही पानी चाहिए होता है, तो देखिए इसमें पानी डाल देती हूँ। आज डालूंगी, कल तक रहेगा, परसों फिर पानी की आवश्यकता इसको पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए बिल्कुल सब सूख गया है, पता नहीं कैसे गर्मी में मैनेज कर पाएंगे इन सारे पौधों को। फिर से मैं लगा देती हूँ, यहाँ पानी भरेगा, तब तक और पौधों का समाचार सुनाती हूँ। देखिए दोस्तों मैं शाम के टाइम में आई हूँ, चांदा मामा दिखने भी लगे हैं। दिन में इतना तेज़ धूप हो रहा है कि छत पे आने का मन ही नहीं करता है। ये कनेली का फूल है दोस्तों, तो ये देखिए अभी सही चल रहा है, इसको मैं कोई कटिंग वटिंग नहीं की हूँ, अभी मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी इसको। अब जब बारिश का सीज़न आएगा तभी इसको कटिंग करूँगी। तो सारे पौधों को पानी की बहुत आवश्यकता हो रही है, अभी डेली पानी की ज़रूरत हो रही है। अगर पानी नहीं दे रहे हैं तो उस पौधे सूखने लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसे रिपोर्ट की थी तो इसका भी हालत ख़राब हो रहा है, इसे भी कोड़ दे रही हूँ और फिर इसमें भी पानी डालूँगी। अंदर तो मॉइस्चर इसका बना हुआ है, पता नहीं फिर भी कैसे ये सूख रहा है, डेली पानी खोज रहा है सारे पौधा। बहुत ही मुश्किल होने वाला है टेरिस गार्डनिंग गर्मी के दिनों में। फरवरी में ही यह हाल है, पता नहीं मार्च अप्रैल में क्या होगा दोस्तों। मई जून का गर्मी में कुछ तो उपाय करना पड़ेगा, देखिए कब करते हैं उसमें क्या उपाय होता है, और आगे आने वाला वीडियो में आप देख पाएंगे। अभी देखती हूँ ऐसे ही मैनेज करके। बहुत सारे गमले तो मैं खाली भी कर चुकी हूँ, इसमें कुछ नया चीज़ लगाऊंगी। देखिए अभी खाली हो गया है, ये बाल्टी भी खाली है। यहाँ पे देखिए दोस्तों हरसिंगार को जो मैं कटिंग कर दी थी तो इसमें नए नए पत्ते निकल के आ रहे हैं, सारे पत्ते इसके सूख रहे थे, झुलस रहे थे, तो इसको मैं कटिंग कर दी हूँ पूरी तरह से, और अब इसमें नए नए पत्ते निकल रहे हैं। जब निकल जाएंगे तब आप देखिएगा, फिर काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये पौधा। बोगनविलिया का भी हालत ठीक है, इसे भी रिपोर्ट करने वाली हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगी दोस्तों, अभी गर्मी आ गया है, अब थोड़ा बारिश का सीज़न आया तभी इसको रिपोर्टिंग करेंगे। अभी इसी में चल रहा है ठीक ठाक, तो इसे चलने देती हूँ। ऊपर से मैं इसी में थोड़ा बहुत खाद देती रहती हूँ और पानी इसमें हमेशा डालती रहती हूँ, इसका पानी हमेशा सूख जाता है एक दिन में ही। देखिए कैसे सूखा हुआ है, इसका मिट्टी बिल्कुल सूख गई है। तो चलिए यहाँ पे फिर से पानी भर गया है, और पौधों में पानी मैं डाल देती हूँ। मैं लगभग सारे पौधों में पानी डाल दी हूँ दोस्तों। तो यही रहा आज का गार्डनिंग अपडेट। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।